बीमारी से लड़ो, फाइट करो, नेवर गिव अप। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए जो किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हों, हु आर सफरिंग फ्रॉम सम मेडिकल एलमेंट। वेल, आई हैव अ वेरी सीरियस ब्लड इन्फेक्शन, मुझे बहुत सीरियस ब्लड इन्फेक्शन है। यहाँ तक कि द रियलिटी इज़ कि मैं कुछ ढंग से खा भी नहीं पा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी रुक जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बीमारी से डर जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान लें। हार ना मानना ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट एसेंशियल। बिकॉज जब आप अपने मन में सोच लेते हो ना कि नहीं, मुझे इस बीमारी से लड़ना है, मुझे इस बीमारी से हाथ, यू नो, आई वांट फाइट दिस मेडिकल प्रॉब्लम, हाफ द बैटल इज़ वन ऑलरेडी। जब आप अपना मन बना लेते हो ना, आधी लड़ाई तो वहीं जीत लेते हो आप। तो नेवर गिव अप, डरना नहीं है कभी। देखो, बहुत लोग और ऐसे दिमाग में ख्याल आते हैं, हाय मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। तो क्या होगा, सबने मरना है एक ना एक दिन, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है मौत, राइट? तो अगर आपको कोई बीमारी है तो डरना नहीं और मरने के बारे में नहीं सोचना। इट्स द लास्ट थिंग विच यू शुड बी थिंकिंग अबाउट। ये सोचो कि जितने भी दिन मेरे पास पड़े हैं, अगर कोई बड़ी बीमारी है मेरी तरह, ये सोचो कि मैं उस टाइम में क्या कर सकता हूँ, क्या मैं अपनी ज़िंदगी का जो मेरा मकसद है, क्या मैं उस मकसद में अभी भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, क्या मैं उस राह पे चल रहा हूँ जो मुझे ज़िंदगी में चलनी चाहिए। अपने आप ना अपने अंदर से एनर्जी निकल आती है कि क्या काम करना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। नेवर एवर एवर गिव अप फाइटिंग, लड़ना नहीं छोड़ना कभी अपनी बीमारी के साथ। और सबसे बड़ा वार जो है ना आपकी बीमारी पे, यही होता है जब आप लड़ना नहीं छोड़ते। हार के एक दिन बीमारी भी बेचारी तंग आ जाएगी, कहेगी यार ये तो छोड़ता ही नहीं है, पीछा ही नहीं छोड़ रहा ये तो। तो अपने आप ही बीमारी भी ना धीरे धीरे वीक होनी शुरू हो जाती है। सो ये वीडियो का लिंक उस हर इंसान को भेजें जो आपके सर्कल में है, फैमिली में है, दोस्तों के सर्कल में है। देखो मैं लड़ रहा हूँ, अगेंस्ट ऑल ऑड्स मैं लड़ रहा हूँ, मेरे को देख के इंस्पायर हो जाओ, है ना? मुस्कुराते रहो, लड़ते रहो, बीमारी पे जीत अपने आप ही आ जाती है। जय जनता। मैं 5'6" रॉबिन हुड, आमप्रेस टीवी हमारा यूट्यूब चैनल है, और यहाँ मैं इसी किस्म के वीडियोस बनाता रहता हूँ अबाउट रियल लाइफ। मोस्टली द वीडियोस आर अबाउट माय व्यूज अबाउट पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, बट मोर देन पॉलिटिक्स एंड करंट अफेयर्स आई एम इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ वीडियोस बिकॉज दीज आर मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल वीडियोस। आपको क्या लगता है मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूँ? आपको तो मैं इंस्पायर कर ही रहा हूँ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। फैक्ट ये है कि ये वीडियो बनाते हुए मैं खुद भी तो इंस्पायर हो रहा हूँ, तो मुझे आपको भी तो थैंक यू बोलना है, क्योंकि आप भी तो ऑडियंस हो जो मेरा साथ देते हो, जो लिखते हो कमेंट्स में गेट वेल सून सर, जो प्यार भेजते हो। भगवान से दुआ करेंगे आप जल्दी अच्छे हो जाओ, अल्लाह से दुआ करेंगे आप जल्दी अच्छे हो जाओ, वाहे गुरु की मेहर रहे आपके ऊपर, ऐसे ऐसे कमेंट्स जब आपके आते हैं, पता है कितनी एनर्जी मिलती है मुझे उससे। हाँ, फिर वो मिर्ची वाले कमेंट भी आते हैं। एक बंदे ने मुझे लिखा, सर आप जल्दी से मर जाओ। मैंने कहा, सॉरी भाई, मैं आपको निराश कर रहा हूँ, मैं उसी टाइम पे मरूंगा जब मेरी टिकट लिखी है कटनी, तो मैं आपको निराश कर रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बड़ा हंसा मैं उनका जब ये कमेंट आया। तो जीते रहो ज़िंदगी, अच्छी तरह जियो और खुश होके जियो। टेक केयर। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा देना नोटिफिकेशंस के लिए, और अगर इतने ही अच्छे लगें तो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा देना।
ऐसी चलती है जी आम प्रेस, देसी तरह से, आपकी प्रेस, मेरी प्रेस, हमारी प्रेस।